नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल एग्री ट्यूटोरियल में। मैं आपका अपना दोस्त मोहन सोडा एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं एक नई क्रॉप के साथ। अपन लगातार एग्रोनॉमी की जो क्रॉप्स हैं उसको पढ़ रहे हैं। आज जो है अपन पढ़ने जा रहे हैं सैफ फ्लावर को, यानी कि कुसुम को। देखिए दोस्तों क्या होता है, खूब सारे बच्चे होते हैं और खूब सारे मेरे भाई मेरे बहन ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, एग्जाम की दृष्टि से पहले पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उनको मजा भी नहीं आता। वो क्या करते हैं, जल्दीबाजी में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो उनके टॉपिक कुछ रह भी जाते हैं। इसीलिए अभी खूब सारा टाइम है, मन लगाकर दोस्तों पढ़िए। और एक बार और क्या होता है कि अपन ऑनलाइन क्लासें देखते हैं तो अपने को थोड़ा बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन जो मूवी है वो अपने को इजी तरीके से समझ में आ जाती है। तो देखिए उसमें एक पॉइंट ये रहता है कि थोड़ा बहुत आपको क्या है, थोड़ा बहुत डोज दिया जाए। जैसे कि मैं बात करूं, थोड़ी बहुत जो क्लास में है वो हंसी मजाक की जाए, इसमें क्या है आपका मनोबल बढ़ता है और आप अधिक से अधिक क्लासों को अटेंड करते हैं। और आप जो आपको जो टीचर पढ़ा रहा है उसमें भी आप क्या करते हैं, उसको देखना पसंद करते हैं। देखिए दोस्तों मैं ज्यादातर क्या करता हूं, जब टॉपिक स्टार्ट कर देता हूं तो उसके मध्य कोई दूसरी बात नहीं करता, ठीक है ना दोस्तों। अगर ये ऑफलाइन प्लेटफॉर्म होता तो अपन खूब सारी बातें करते, खूब सारी चीजें जो है उसके ऊपर डिस्कस करते। तो देखिए दोस्तों आज जो अपन डिस्कस तो क्या करें, सबसे पहले कुसुम पढ़ेंगे। छोटी सी क्रॉप है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो मात्र 10 मिनट की बात है, 10 मिनट में अपन जो है इसको पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। ओके दोस्तों, आज मैं बात करूं तो आज जो है, आज मैंने जो फंक्शन है, आज 21 तारीख है, क्या है 21 जनवरी है। और 21 जनवरी को क्या है, थोड़ी मुझे जो मेरे फेवरेट जो है वो कौन है, सुशांत सिंह राजपूत, जो क्या है बॉलीवुड के एक सितारे अभिनेता, बहुत बड़े अभिनेता थे जिनका हाल ही में बीच में देहांत हो गया था। ये जब खबर आई थी तो बहुत सुन के अचंभित हुआ, मतलब बहुत ज्यादा लगा कि भाई साहब ऐसे कैसे हो गया, इतना सक्सेस पर्सन आज इस कंडीशन पे कैसे आ गया। देखिए दोस्तों इसमें जो मैं आपको बता देना चाहूं, इसमें आपको ये सोचना है कि इतना सक्सेस व्यक्ति, जो इतना बड़ा व्यक्ति होकर उसका इतना नाम है, लेकिन वो क्या है ऐसी कंडीशनों से घिर जाता है जिसमें उसको सुसाइड तक करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों आपको बहुत सारी कंडीशनें अलग अलग टाइप की मिलेगी, तो आपको जो है अपना जो टारगेट है उसको कभी छोड़ना नहीं है। आपको जो टारगेट है उसके ऊपर आपकी जो आंख है वो रहनी चाहिए, अंततः आपको वो आपका टारगेट, आपका लक्ष्य आपको मिलकर ही रहेगा। ओके दोस्तों, आज उनका बर्थडे है सुशांत सिंह जी का, तो अपन सभी जो है वो विश करेंगे उनको कि जो जहां पर भी हैं जैसे भी हैं अच्छी तरीके से हैं। ओके दोस्तों, अब आज की बात अपन इतनी करेंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कुसुम को। किसको पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, कुसुम को पढ़ने जा रहे हैं, जाने की सैफ फ्लावर को। देखिए दोस्तों जब मैं स्टार्ट करूंगा तब मैं बीच में बोलूंगा नहीं। क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अपन अपने पास कोई बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है तो उसमें उसको अपन इजी तरीके से कम समय में अधिक नॉलेज दें, और जो वो अपना टारगेट लेके आया है उसको अपन कंप्लीट करें, क्योंकि सब लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, बातें करने के लिए नहीं आते, ठीक है। बीच में थोड़ा बहुत डोज देते रहेंगे, आज से अपन स्टार्टिंग कर लेते हैं। चलो सबसे पहले बात करें कुसुम की। देखिए दोस्तों सबसे पहले जो कुसुम है ये एक रबी की क्रॉप है, मेहनतिया रबी की तिलहनी फसल है। देखिए दोस्तों कौन सी अपन बात करते हैं, ऑयल सीड की बात करते हैं, और ऑयल को क्या कहते हैं, तिलहनी फसलें या फिर तेल वाली जो फसलें हैं, ये क्या है मुख्यतः रबी की फसल है। समझ में आ गया दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए दोस्तों उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये इसमें मेनली पॉइंट जो है वो आपको याद करने हैं। अगर मैं इसका बात करूं इसकी प्रोडक्शन की, यानी कि इसका जो उत्पादन है वो आपके अपने इंडिया में ही होता है, पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो है इसका प्रोडक्शन अपना भारत ही करता है। और भारत में भी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो इसका प्रोडक्शन है वो होता है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। ये दो स्टेट ऐसे हैं जिनका एक तरफ कब्जा है, किस पे, अपने कुसुम के ऊपर, आंध्र प्रदेश में। समथिंग 75% जो है पूरे वर्ल्ड का, 75% जो है वो अपना इंडिया प्रोडक्शन करता है। ओके दोस्तों, तो ये तो बात थी अपने प्रोडक्शन के बारे में। कुछ एक चीजें हैं जो आपको नोट करनी है, स्टार लगा दो भाई साहब यहाँ पे, कि ये
कुसुम जो है ये एक रबी की तिलहनी फसल है। इसका सर्वाधिक उत्पादन इंडिया में महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में होता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया क्या? ओके दोस्तों, उसके बाद जो कंपल्सरी पॉइंट है ये तो क्लासिफिकेशन अपने को बनना ही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो आपके नंबर सेकेंड नंबर पॉइंट की, तो इसमें अगर मैं बात करूं इसका जो IWCP अनुपात होता है, जब अपन सिंचाई पढ़े थे तब मैंने IWCPE का बारे में बताया था, यहां पे अपन डिस्कस ज्यादा करेंगे नहीं। सबसे कम जो IWCP अनुपात जो मिलता है वो अपने को मिलता है कुसुम का मिलता है। कितना मिलता है दोस्तों? 0.4%। यानी कि जो सबसे जितनी भी फसलें हैं उन सब में सबसे कम IWCP जो अनुपात है वो सबसे कम किसका है दोस्तों? कुसुम का है। अरे समझ में तो आ रही है ना कहानी, कुसुम का सबसे कम है IWCP अनुपात। सेकेंड नंबर वाला आपका स्टार होना चाहिए ये वाला IWCP अनुपात बराबर 0.4% सबसे कम किसका? कुसुम का। क से कुसुम, क से कम IWCP अनुपात। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर नंबर थर्ड की बात करूं, ये तीसरा नंबर पॉइंट है इसका जो कुसुम है, इससे आपके कार्थेमीन, देखिए दोस्तों कार्थेमीन नामक एक रसायन प्राप्त होता है। क्या होता है दोस्तों? एक रसायन प्राप्त होता है और इस रसायन का अपन प्रयोग करते हैं डाई उद्योगों में, यानी कि जो डाई जो होती है ना, डाई करते हैं ना, उसके उद्योगों में इसका अपन प्रयोग करते हैं, किसका? कार्थेमीन का, है ना दोस्तों। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या हो गया कि कुसुम से एक कार्थेमीन नामक रसायन जो है वो निकलता है और इसका अपन उपयोग करते हैं आपके डाई उद्योगों में। ओके दोस्तों, उसके बाद नंबर फोर नंबर जो पॉइंट है वो मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें एक रोगन, क्या दोस्तों? रोगन नामक आपके एक पदार्थ निकलता है। वो तो क्या था दोस्तों? वो एक रसायन था, लेकिन कुसुम से एक रोगन नामक आपके पदार्थ निकलता है जिसका अपन उपयोग करते हैं लेदर के रूप में। लेदर की जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उसमें अपन प्रयोग करते हैं। तो आपका जो चौथे नंबर का जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों कि कुसुम जो है उससे एक रोगन नामक पदार्थ जो निकलता है और इसका उपयोग अपन करते हैं आपके लेदर की वस्तुओं को बनाने में। चार पॉइंट क्लियर हो गए क्या? चारों के चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब देखो पांचवा पॉइंट क्या है, ये कुसुम जो है इसमें सबसे ज्यादा आपके प्यूफा के अंतर्गत, मैंने कल बताया था जब सूरजमुखी पढ़ाया था, पॉली अनसैचुरेट फैटी एसिड कुसुम के अंतर्गत लिनोलिक, क्या होता है दोस्तों? लिनोलिक एसिड होता है सबसे ज्यादा। कितना होता है? समथिंग आपके 78%। कितना होता है दोस्तों? 78% लिनोलिक एसिड होता है, लिनोलिक एसिड होता है। और आप जानते ही हो लिनोलिक जो एसिड है ये हृदय रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यानी कि जो कुसुम है, कुसुम का जो तेल है वो सबसे, जितनी भी क्रॉप है उन सब में सबसे ज्यादा उपयोगी किसका है? कुसुम का जो तेल है वो हृदय रोगियों के लिए अच्छा है। ये क्या करता है? आपके जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल की क्या करता है? मात्रा को अपने रक्त में घटा देता है, जिससे अपने क्या होता है, जो आपके हार्ट की जितने भी पेशेंट हैं उसको फायदा मिलता है, हार्ट का झटका आने से वो बच जाते हैं, इसके लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रोडक्शन की बात हो गई, रबी की तिलहनी फसल है, IWCP अनुपात 0.4%, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें लिनोलिक एसिड की मात्रा सबसे ज्यादा 78% पाई जाती है। कार्थेमीन नामक रसायन पाया जाता है जिसका उपयोग अपन डाई उद्योगों में करते हैं। उसके बाद रोगन नामक एक पदार्थ है जिसका उपयोग अपन किसमें करते हैं? लेदर नामक, जो लेदर से जितनी भी वस्तुएं बनती हैं उसमें अपन करते हैं। अरे लेदर की वस्तुएं जानते हो क्या? खूब सारे हैं, बेल्ट बनते हैं, बैग बनते हैं, खूब सारी चीजें हैं, पूछने की तो जरूरत नहीं है। तो लेदर की जितनी भी वस्तुएं किससे बनाई जाती है? आपके कुसुम से, एक रोगन नामक पदार्थ से मिलता है, उससे बनाई जाती है। पॉइंट क्लियर हो गया क्या? ओके दोस्तों, ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं छिली हुई कुसुम की, छिली हुई जो कुसुम होती है उसमें आपके समथिंग 7.88% और कुछ ही किताबें बताती है 7.9% क्या होती है? नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अगर क्वेश्चन ये आए कि सबसे ज्यादा
जो नाइट्रोजन है वो किसकी खली में पाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मूंगफली की खली में। ओके दोस्तों, अगर उसमें लिखा हुआ है, ऑप्शन में डाल रखा है कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो किस में पाई जाती है, मूंगफली भी दे रखा है और उसी में आपको ऑप्शन दे रखा है कुसुम या फिर छिली हुई कुसुम। या हालांकि याद करना है आपको छिली हुई जो कुसुम है उसमें 7.88% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, तो आपके जो पॉइंट है वो क्लियर हो गए होंगे। 6 पॉइंट बताए, 6 के 6 याद कर लो। छिली हुई कुसुम में जो आपके नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो होती है 7.9%, इसीलिए सर्वाधिक मात्रा होती है, इसलिए आपको पॉइंट नोट करना है। अगर आपसे पूछे नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है, छिली हुई कुसुम में। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं बॉटनिकल नेम की, तो मेरे को ये रफ करने की जरूरत है क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बच रही, तो मैं इसको रफ करूंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेने से क्या है आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। ओके दोस्तों, मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, रफ ये होगी बात, इधर वाली चीजें अभी रफ कर रहा हूं। सबसे पहले बॉटनिकल नेम क्या है, इजी है, पढ़ा होगा कार्थेमस, क्या है दोस्तों, कार्थेमस टिंक्टोरियस, टिंक्टोरियस, ये क्या है इसका बॉटनिकल नेम है। अरे जल्दीबाजी में चल रहा हूं, घबराने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें बार बार एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बल्कि इसके जो फंडे है ना वो क्लियर होने चाहिए। उसके बाद अगर मैं कुल की बात करूं तो इसका जो कुल है वो है कंपोजिटी या फिर एस्ट्रेसी, कंपोजिटी या फिर एस्ट्रेसी, एस्ट्रेसी, एस्ट्रेसी है ना, ये लो। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके गुणसूत्र, यानी कि इसमें 2n बराबर कितने पाए जाते हैं, एस्ट्रेसी हो गया यहां पे। उसके बाद अगर मैं गुणसूत्रों की बात करूं, देखिए जो सूरजमुखी है उसमें तो आपके 34 थे, अगर मैं बात करूं इसमें तो इसमें हो जाएंगे 10 घटा लो साहब, हो गए 24, यानी कि 24 जो है इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n बराबर होते हैं। उसके बाद ओरिजिन पैलेस, वेरी इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों, ओरिजिन जो पैलेस है वो इसका कौन सा है, एब्सिसिया, एब्सिसिया, या फिर अगर आपको एब्सिसिया ना मिले तो आपको क्या करके आ जाना है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो है जो इसका क्या है ओरिजिन पैलेस है। ओरिजिन पैलेस कैसे निकालते दोस्तों, अरे ओरिजिन पैलेस वैसे निकालते जहां पर जंगली प्रजातियां पाई जाती हैं और उसमें सर्वाधिक विभिन्नता पाई जाती है, उसे अपन कहते हैं ओरिजिन पैलेस। इस हिसाब से निकाला जाता है प्राइमरी जो ओरिजिन पैलेस है वो इस टाइप से निकाला जाता है, तो सेकेंडरी अपन कह सकते हैं, जो सेकेंडरी ओरिजिन पैलेस है वो प्रोडक्शन के आधार पर अपन निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद परागण, इसमें परागण होता है पर परागण, कौन सा, क्रॉस पॉलिनेशन, कल पढ़ा था, कल किसमें पढ़ा था, सूरजमुखी में पढ़ा था, पर परागण मधुमक्खी के द्वारा होता है और इसमें भी कौन सा है, पर परागण। उसके बाद प्रोटीन की बात आती है, अब देखो यहां पे दिक्कतें हो जाएगी, कुछ ही किताबें क्या बताती है, कुछ ही क्या बताती है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, समथिंग 22 से लेके 28% आपको याद करना है, कुछ एक फिक्स करके बैठे, जैसे कि 22 से लेके 22.47 से लेके 26.43, ऐसा कुछ भी नहीं होता, फिक्स देखो इसमें 22 से लेके 28% इसमें क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद अगर इसकी बात करूं ऑयल की, यानी कि इसमें जो तेल है वो कितने परसेंटेज पाया जाता है, तो समथिंग 30 से लेके 35%, कितने 30 से 35, अगर एवरेज पूछे तो आपको करके आ जाना है, 32% कुसुम में तेल की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद इसके जो फूल हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, नया पॉइंट है जरूर नोट करें, इसके जो पुष्प हैं इसको कहते हैं कार्मीन, क्या कहते हैं दोस्तों, कार्मीन कहते हैं इसके पुष्प को। ओके दोस्तों, उसके बाद खनिज लवण की बात करूं तो इसमें 3% आपके खनिज लवण पाए जाते हैं। और उसके बाद उपज की बात करूं, यानी कि यील्ड की बात करूं, तो समथिंग 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है आपको उपज प्राप्त होती है। अरे दोस्तों समझ में आ गया, देखिए वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिंक्टोरियस, कुल कौन सा है, कंपोजिटी या फिर एस्ट्रेसी, यहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा तो वापस लिख देता हूं, एस्ट्रेसी, एस्ट्रेसी। ओके, उसके बाद गुणसूत्र 24, उत्पत्ति स्थल एब्सिसिया या फिर अफगानिस्तान, परागण पर परागण, प्रोटीन 22 से 28, तेल की मात्रा 30 से 35, एवरेज पूछे तो 32, पुष्प कौन सा है, कार्मेमीन है, कार्मीन है। उसके बाद अगर मैं बात करूं खनिज लवण 3% और उपज जो है 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, इधर वाले पॉइंट समझ में आ गए ना, इसको मेरे को रफ करने की जरूरत है, रबी तिलहनी आपको मैंने पहले बता दिया है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखिए दोस्तों क्या होता है, मैंने क्या बताया, ये मुख्यतः आपके जो
कुसुम है ये एक रबी की क्रॉप है और आप जानते हो रबी के अंतर्गत जो जलवायु रखी जाती है अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो जलवायु के ऊपर ही है। इसकी जो जलवायु है दोस्तों वो कौन सी रखी जाती है यानी कि इसमें जलवायु कौन सी पाई जाती है, जलवायु इसके लिए कैसी चाहिए कुसुम के लिए। तो देखिए दोस्तों इसके लिए जो जलवायु चाहिए वो चाहिए आपके ठंडी एवं नम जलवायु। कैसी चाहिए? ठंडी एवं नम जलवायु या फिर अपन कह सकते हैं शुष्क जलवायु या जो है इसके लिए चाहिए ठंडी एवं नम जलवायु। देखिए दोस्तों उसके बाद जो अपनी है सीड रेट यानी कि बीज दर जो है वो अपन कितनी रखें जिसमें आपको क्या रखना है। अगर मैं बात करूं असिंचित क्षेत्र, अगर असिंचित की बात करें तो आपका आंसर होना चाहिए 15 से लेके 20 केजी प्रति हेक्टेयर इसकी क्या है उपज। अगर मान लो सिंचित क्षेत्र है, देखिए दोस्तों अगर सिंचित की बात करूं तो 10 से लेके 15 केजी प्रति हेक्टेयर क्या है आपकी जो है सीड रेट रखी जाती है। ओके दोस्तों उसके बाद अपन नंबर लास्ट पे आ जाते हैं, उसके बाद वैरायटीज देखेंगे सबसे लास्ट में। अगर मैं उर्वरक प्रबंधन की बात करूं यानी कि जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट है उसमें आपके एनपीके की जो मात्रा रखी जाती है वो रखी जाती है 60, 40 और 40। सेम सूरजमुखी वाला है सिस्टम। अगर मान लो 80 केजी आपके नाइट्रोजन देना है, 40 केजी फॉस्फोरस देना है और पोटास की जो मात्रा है वो आपको 40 देनी है। तो 60, 40, 40 आप याद कर सकते हो। इसका अनुपात जो है वो आपको 3:2:1 याद करना है यानी कि 90 केजी या 60 से लेकर 90 के मध्य ही रहता है। आप 80 कर दो तो बीच वाला कॉमन तरीके से आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं वेराइटीज की, तो देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं वेराइटीज की तो वेराइटीज इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेना वेराइटीज इंपोर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करूं आपके तारा, अरे तारा गब जो गद्दर पिक्चर आई थी वही वाले तारा से तारा, फिर वो क्या है तारा मंजीरा लेता है, क्या करता है मंजीरा लेता है। और उसके बाद भीमा कौन आ जाता है, भीमा कौन से वाले भीमा भाई साहब, अमिताभ बच्चन भीमा। और उसके बाद नाग सेवन कौन सी है दोस्तों, नाग सेवन वैरायटी किसकी है कुसुम की है। उसके बाद अगर मैं बात करूं JSF यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ज्वार से फ्लावर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये तीनों की तीनों वेराइटियां इंपोर्टेंट हैं और एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। ओके दोस्तों भीमा हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके AKSF जो है 58, ये भी वेराइटी इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मालवीय 305, क्या है मालवीय 305 जो वेराइटी है वो भी इसकी वैरायटी है। ये तो आपको कहानी समझ में आ गई वैरायटीज की। उसके बाद अगर मैं बात करूं MKH11 जो वैरायटी है वो भी किसकी है कुसुम की। अब देखो सबकी सब चीजें आपको मैंने बता दी, अब एक पॉइंट बच रहा है जो आपको जरूर जरूर नोट करना है। मेरे को जाते समय याद आ गया, अपने जो 4-5 ऊपर पॉइंट थे उसमें एक पॉइंट आपको और याद करना है। देखो जो कुसुम होता है ना, ये कुसुम का जो तना होता है ये वाला पोर्शन, यानी कि ये आपने मान लो कुसुम है, कुसुम का जो ये तना होता है ये वाला, तो यहाँ पे क्या है कांटे लगे हुए होते हैं। एकमात्र ऐसी तिलहनी फसल जिसके तनों पर कांटे पाए जाते हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, कुसुम की बात कर रहा हूं। कुसुम के तने जो होते हैं, जो उसका तना होता है स्टेम होता है, उसके ऊपर कांटे लगे हुए होते हैं, इसलिए इसका अपन प्रयोग करते हैं रक्षक फसलों के रूप में या फिर फैंसी फसलें कहते हैं, गार्ड फसलें कहते हैं, उनके रूप में अपन प्रयोग करते हैं। तो आपका पॉइंट क्या होना चाहिए कि जो कुसुम है कुसुम के तने पर कांटे पाए जाते हैं, इसीलिए इसका अपन प्रयोग करते हैं गार्ड फसलों के रूप में या गार्ड यानी कि रक्षक फसलों के रूप में। और इसका एक और नया नाम अभी आया है फैंसी फसल, फैंसी फसल में भी अपन किसका प्रयोग करते हैं आपके कुसुम का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसी लगी क्लास, और सुशांत सिंह जी को आप एक बार जरूर विश करें। थैंक यू वेरी मच, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।